चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाद में बेल बटन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो वॉच करें। हाय एवरीवन, आज जो मैंने लुक करा है ये सिर्फ 5 मिनट में मैंने किया है और आप इसको किसी भी पार्टी में या कहीं अगर जल्दी में हैं या फिर अगर आप मदर हैं, छोटे बच्चे हैं तो आप बहुत आराम से इसको 5 मिनट में कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बाद में बेल बटन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये मिलानी का आईब्रो पोमेड लिया है और इसका कलर है ब्रूनेट और इसको मैं इस तरह से लगा रही हूँ। और अगर आपको देखना है पूरा डिटेल्ड वीडियो कि आईब्रो घर में आप कैसे खुद से बना सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे फिल कर सकते हैं, तो आप इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप चेक कर सकते हैं। और ये इस तरह के जो पोमेड होते हैं ये बहुत ही अच्छे, बहुत क्लीन इससे लुक आता है, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं ये। अब मैंने ये प्राइमर लिया है और ये मेबिलिन का प्राइमर है और ये इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है और काफ़ी अच्छा ये काम करता है और ये एक हाइड्रेटिंग प्राइमर है, तो अगर आपका ड्राई स्किन है तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। और अब मैंने ये लिया है फाउंडेशन और ये एले गर्ल का फाउंडेशन है और इसको मैं लगा रही हूँ और ये बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है। इसके साथ में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज़ हो जाता है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी लाइट शेड लिया है लेकिन ये ऑक्सीडाइज़ होने के बाद में एकदम ठीक लगेगा। और क्योंकि जल्दी में होते हैं तो जल्दी में मैं बिल्कुल भी फुल कवरेज या ऐसा कुछ फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ कि बाई चांस वो थोड़ा भी केकी लगने लगे या ऐसा कुछ हो जाए, तो ये लाइट सा कवरेज का मैं लगाती हूँ फाउंडेशन जनरली। और अब ये मैंने कंसीलर लिया था और इसको मैं उंगली से ही लगा रही हूँ जिससे कि जल्दी जल्दी से हो जाए। और लिक्विड वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है या फिर ब्रश या आपको ब्यूटी स्पंज वगैरह से लगाना पड़ता है, ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह से, तो ये उंगली से ही जिससे कि जल्दी काम हो जाए तो इसलिए इसको मैंने लगा लिया है। और अब इसको सेट करने के लिए मैंने ये कॉम्पैक्ट लिया था, ये मेबिलिन का कॉम्पैक्ट था, तो इसको आईलिड पर भी और अंडर आई भी मैंने लगाया और आप चाहें तो हल्का हल्का पूरे फेस पर भी आप लगा सकते हैं। और अब ये मैंने लिया है और इस प्रोडक्ट का मैं नाम हमेशा भूल जाती हूँ, लेकिन इसमें ये लिक्विड की एक दो ड्रॉप डालकर और इसको मैंने फिर उंगली से ही लगाया है, तो बहुत ही ईजी है ये। और ये क्रीम आई शेडो है तो हल्का सा ये स्टिक करता है लेकिन बाद में बिल्कुल सेट हो जाता है, तो इससे पहले कि ये ड्राई हो जाए हल्का सा ग्लिटर लेके और मैंने बस ये सेंटर में ही लगा लिया है, तो इसको भी मैं उंगली से ही हल्का हल्का सा बस इस तरह से मैं लगा लूँगी। और अब ये वेट एंड वाइल्ड के पैलेट में से मैंने हल्का सा ब्राउन कलर लिया है और ये मैं इस तरह से इसको बस लगा रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश से। और जिस तरह का ये लुक है, मतलब गोल्डन और जो मैंने लिपस्टिक वगैरह यूज़ करा है, ये आपका चाहे जैसा भी स्किन टोन हो, चाहे आप फेयर हो, मीडियम हो या डार्क हो, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, तो सबके लिए ये लुक है ये, तो ऐसा नहीं कि फेयर या मीडियम या ऐसा कुछ। और अब यहाँ पर मैंने काजल की बजाय ये पेंसिल यूज़ किया था क्योंकि काजल से मेरी आईज़ काफ़ी स्मॉल लगने लगती हैं। और अब ये मैंने आई शेडो स्टिक लिया है जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और पूरा लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा आउटर थर्ड में भी आप लगाएंगे तो आईज़ आपका थोड़ा भरा भरा सा ऐसा लगने लग जाएगा। और अब ये मस्कारा मैंने लिया है और ये नेक्स का मस्कारा है और ये वाटरप्रूफ है तो काफ़ी अच्छा मस्कारा है ये। और मेकअप रेवोल्यूशन का अब ये मैंने कॉन्ट्योर करने के लिए लिया है, तो हल्का सा नोज़ ही मैं बस कॉन्ट्योर कर रही हूँ, तो ओवरऑल कॉन्ट्योरिंग मैं नहीं कर रही। और अगर आपकी नोज़ बहुत सुंदर है, अच्छी है, तो आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने अब ये ब्लश लगाया है और ये मेकअप रेवोल्यूशन का है और क्विकली बस मैं बस ये ब्लश लगा रही हूँ और इसके बाद मैं हल्का सा हाईलाइट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये लिपस्टिक लिया है, हाईलाइट बाद में करूँगी मैं, तो ये वेट एंड वाइल्ड का लिपस्टिक और ग्लॉस बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरा बस मन करा फॉर अ चेंज तो मैंने ग्लॉस लगा लिया था। और ये अब मैंने ये हाईलाइट किया है और ये स्लीक का पैलेट है तो ये बस मैं अब हाईलाइट कर रही हूँ।
और जब भी आप इस तरह के लुक करें, जब आपको जल्दी में अगर कहीं जाना है, तो अच्छा ये कि आप जो दो चार पांच चीज़ें जो भी कुछ आप यूज़ कर रहे हैं वो आप पहले से निकाल के रख लीजिए, जिससे कि आपको फिर एंड टाइम पे, क्योंकि फिर उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है अगर आप तुरंत तुरंत फिर आप ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पर क्या है, तो पहले से निकाल के रख लीजिए तो और भी आपका टाइम बचेगा। और बस ये जो मैंने ग्लॉस लगाया था वो लगा है, और एंड में मैंने सेटिंग स्प्रे लगाया है, और एक लिपस्टिक का मैंने ऑप्शन और दिया है। तो अगर आप चाहें तो डार्क लिपस्टिक मैट फुल मैट लुक, या फिर आप चाहें तो ग्लॉसी लुक, आप जैसा आपका मन करे वो आप ट्राई कर सकते हैं, और मुझे बताएगा आपको कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बाय।